तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या करते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटिंग सिग्नल हैव एम्पलीट्यूड एक्स बी इज सुपर इम्पोज विद कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स वाई बी इन फर्स्ट केस। मतलब केस फर्स्ट में तुम देखोगे तो रेशियो ऑफ द मॉडुलेशन इंडेक्स, तो मॉडुलेशन इंडेक्स फर्स्ट केस में जो आ जाएगा उसको मैं M1 से डिनोट करता हूँ। मॉडुलेशन इंडेक्स का वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडुलेटिंग सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो फर्स्ट केस में मॉडुलेटिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है एक्स है और कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो वाई है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे केस में अगर बात करोगे केस टू में, तो केस टू में आ जाओ। तो केस टू में अगर तुम बात करना चाहोगे तो कहते हैं इन द सेकेंड केस द सेम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब एक्स बी इज सुपर डिफरेंट कैरियर वेव्स टू वाई। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स टू की वैल्यू जो आ जाएगी वो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव, तो वही सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग वेव कैरियर वेव टू वाई हो गया। तो अगर तुम पहले और दूसरे वाले का रेशियो लोगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स और ये टू वाई ऊपर चला गया, तो एक्स एक्स ये मतलब ये आ जाएगा 2/1। मतलब 2/1 मतलब 2:1, तो 2:1 के हिसाब से तुम देखोगे तो अपना थर्ड ऑप्शन सही है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।